हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संजीव और आप देख रहे हैं लीगल अड्डा चैनल। दोस्तों, आज के स्टूडियो में आपके लिए अपडेट है दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से, तो बने रहिए स्टूडियो में मेरे साथ। दोस्तों, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से 279 वैकेंसियों के लिए नोटिफिकेशन निकाली गई है और इन सभी 279 वैकेंसियों के लिए जो नोटिफिकेशन निकाली गई है उसका एडवर्टाइजमेंट नंबर आप स्क्रीन पर देख सकते हो। यहाँ सबसे पहले बात करें इन सभी 279 वैकेंसियों पे कैंडिडेट के एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में, तो इन सभी वैकेंसियों पे जो एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे वो ऑनलाइन मोड से भरे जाएंगे। एप्लीकेशन फॉर्म 11/6/2022 से शुरू हो जाएंगे और जो भी कैंडिडेट इन पोस्ट को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे वो 10/7/2022 तक इन सभी 279 वैकेंसियों के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ इन सभी 279 वैकेंसियों को अलग अलग पोस्ट के अकॉर्डिंग बांटा हुआ है, जिसमें अगर पोस्ट वाइज कैंडिडेट की एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें तो सबसे पहली कैटेगरी में जो पोस्ट है वो है असिस्टेंट डायरेक्टर लैंडस्केप की। ये वैकेंसी जो है ये ग्रुप ए की वैकेंसी है। पे मैट्रिक्स जो यहाँ पे रहेगा वो लेवल 10 के अकॉर्डिंग कैंडिडेट को आफ्टर सिलेक्शन सैलरी दी जाएगी। यहाँ जो आपकी अपर एज लिमिट रखी गई है वो 35 साल रखी गई है और SC/ST कैटेगरी के कैंडिडेट की जो अपर एज लिमिट यहाँ पे रहेगी वो 40 साल रहेगी। क्वालिफिकेशन की बात करें असिस्टेंट डायरेक्टर लैंडस्केप की पोस्ट पे, तो कैंडिडेट ने पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा कर रखा हो इन लैंडस्केप आर्किटेक्चर, साथ ही कैंडिडेट ने जो है वो डिग्री कर रखी हो आर्किटेक्चर में, या फिर कैंडिडेट ने जो है वो बैचलर डिग्री कर रखी हो बॉटनी में, या फिर कैंडिडेट ने जो है वो डिग्री कर रखी हो एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर में, और कैंडिडेट को जो है यहाँ पे 1 साल का लैंडस्केप प्लानिंग का एक्सपीरियंस हो। ऐसे सभी कैंडिडेट जो ये क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया मीट करते होंगे वो इस कैटेगरी की वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर लैंडस्केप की इस नोटिफिकेशन में कुल 1 वैकेंसी निकाली गई है। दूसरी कैटेगरी में जो वैकेंसी है वो है जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए। ये ग्रुप बी की वैकेंसी है। लेवल 6 के अकॉर्डिंग कैंडिडेट को आफ्टर सिलेक्शन सैलरी दी जाएगी। इस पोस्ट पे जो आपकी एज लिमिट रखी गई है वो 18 से 27 साल रखी गई है। जूनियर इंजीनियर सिविल की पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है उसमें कैंडिडेट ने सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा कर रखा हो। ऐसे सभी कैंडिडेट जो है वो जेई सिविल की सभी वैकेंसियों को अप्लाई कर सकते हैं। जेई सिविल की इस नोटिफिकेशन में कुल 220 वैकेंसियां निकाली गई हैं। तीसरी कैटेगरी में वैकेंसी है जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल के लिए। ये ग्रुप बी की वैकेंसी है। लेवल 6 के अकॉर्डिंग कैंडिडेट को यहाँ पे सैलरी दी जाएगी। 18 से 27 साल आपकी यहाँ पे एज लिमिट रखी गई है। क्वालिफिकेशन यहाँ पे जो मांगी गई है उसमें कैंडिडेट ने डिप्लोमा कर रखा हो इन इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, और जेई इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल की कुल 35 वैकेंसियां यहाँ पे निकाली गई हैं। चौथी कैटेगरी में वैकेंसी है प्रोग्रामर की। ये ग्रुप बी की वैकेंसी है। लेवल 6 के अकॉर्डिंग यहाँ पे कैंडिडेट को सैलरी दी जाएगी। अपर एज लिमिट यहाँ पे 30 साल रखी गई है। क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो कैंडिडेट ने जो है वो इंजीनियरिंग की डिग्री कर रखी हो कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में या इलेक्ट्रॉनिक्स में, या फिर कैंडिडेट ने जो है वो मास्टर डिग्री कर रखी हो कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर एप्लीकेशन में, या फिर कैंडिडेट ने जो है वो बी लेवल एग्जामिनेशन पास कर रखा हो DOE ACC से। और प्रोग्रामर के लिए यहाँ पे कुल 2 वैकेंसियां निकाली गई हैं। पांचवी कैटेगरी में वैकेंसी है जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिशियल लैंग्वेज की। ये भी ग्रुप बी की वैकेंसियां हैं। लेवल 6 के अकॉर्डिंग कैंडिडेट का पे स्केल रहेगा। अपर एज लिमिट यहाँ पे जो रखी गई है वो 30 साल रखी गई है। क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो कैंडिडेट ने जो है वो मास्टर डिग्री कर रखी हो हिंदी में विद इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट एट द डिग्री लेवल, या फिर कैंडिडेट ने जो है वो मास्टर डिग्री कर रखी हो इंग्लिश में विद हिंदी एज अ सब्जेक्ट एट द डिग्री लेवल, और साथ ही कैंडिडेट ने जो है वो डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स कर रखा हो इन ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा, और कैंडिडेट को ट्रांसलेशन का 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस है। ऐसे सभी कैंडिडेट जो है वो जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिशियल लैंग्वेज की इन सभी वैकेंसियों को अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिशियल लैंग्वेज की इस नोटिफिकेशन में कुल 6 वैकेंसियां निकाली गई हैं। सबसे लास्ट कैटेगरी में वैकेंसियां हैं प्लानिंग असिस्टेंट की। ये सभी ग्रुप बी की वैकेंसियां हैं। लेवल 7 के अकॉर्डिंग यहां पे आपको आफ्टर सिलेक्शन सैलरी दी जाएगी। अपर एज लिमिट प्लानिंग असिस्टेंट की पोस्ट पे जो रखी गई है वो 30 साल रखी गई है। क्वालिफिकेशन यहाँ पे जो मांगी गई है उसमें कैंडिडेट ने बैचलर डिग्री कर रखी हो प्लानिंग में आर्किटेक्चर में, तो आप इन पोस्ट को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। इस पोस्ट के लिए कुल 15 वैकेंसियां निकाली गई हैं और यहाँ पोस्ट वाइज जो वैकेंसियां निकाली गई हैं उनको अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग भी बांटा हुआ है, जिसकी डिटेल आपने साथ साथ यहाँ पे देख ली है कि कौन सी पोस्ट पे कौन सी कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए कुल कितनी वैकेंसियां रखी गई हैं। इस नोटिफिकेशन में उन्होंने अपर एज लिमिट में कुछ रिलैक्सेशन भी बताई हुई है, जिसके अकॉर्डिंग SC/ST कैटेगरी के कैंडिडेट को अपर एज लिमिट में 5 साल की छूट दी जाएगी, OBC कैटेगरी के कैंडिडेट को अपर एज लिमिट में 3 साल की छूट दी जाएगी, PWD कैटेगरी के कैंडिडेट को अपर एज लिमिट में 10 साल की छूट दी जाएगी, PWD प्लस OBC कैटेगरी के कैंडिडेट को अपर एज लिमिट में 13 साल की छूट दी जाएगी, PWD प्लस SC/ST कैटेगरी के कैंडिडेट को अपर एज लिमिट में 15 साल की छूट दी जाएगी, और
और उसके अलावा भी इन्होंने यहाँ पे कुछ कैटेगरियाँ बता रखी हैं जिनकी डिटेल आप स्क्रीन पर देख सकते हो। इन सब कैटेगरीज के कैंडिडेट को भी इनकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग अपर एज लिमिट में छूट दी जाएगी। अब इन सभी पोस्ट पे बात करें अगर आपकी एप्लीकेशन फीस के बारे में, तो यहाँ जो एप्लीकेशन फीस रखी गई है वो 1000 रुपए रखी गई है। उसमें वेमेन कैंडिडेट, SC ST PWD कैटेगरी के कैंडिडेट और एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के कैंडिडेट को यहाँ फीस से एग्जम्प्ट रखा गया है। अब बात करें यहाँ पे कैंडिडेट की पोस्ट वाइज सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, तो इन सभी वैकेंसियों पे जो आपका सिलेक्शन होगा वो ऑनलाइन एग्जामिनेशन के बेसिस पे होगा। एग्जाम के जो सेंटर रहेंगे वो दिल्ली NCR में रहेंगे। पहली पोस्ट जो यहाँ पे रखी गई है असिस्टेंट डायरेक्टर लैंडस्केप की, इस पोस्ट पे जो आपका सिलेक्शन होगा वो सिंगल स्टेज के एग्जाम के बेसिस पे होगा। इस एग्जाम के बाद कैंडिडेट को जो है वो शॉर्टलिस्ट करके इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। एग्जाम की अगर बात करें तो आपका जो एग्जाम होगा 120 नंबर का होगा। 120 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। 2 घंटे का टाइम इस पेपर को पूरा करने के लिए दिया जाएगा। यहाँ रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन यानी कि जो कंसर्न सब्जेक्ट आपका होगा उसके साथ ही रीजनिंग, मैथ, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश के क्वेश्चन इस पेपर में जो है कैंडिडेट से पूछे जाएंगे। और इस एग्जाम के बाद कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट करके इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। जूनियर इंजीनियर सिविल की पोस्ट पे कैंडिडेट का जो सिलेक्शन होगा वो सिंगल स्टेज ऑनलाइन एग्जाम के बेसिस पे होगा। आपका जो एग्जाम होगा 120 नंबर का होगा। 120 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस पेपर में पूछे जाएंगे। 2 घंटे का टाइम यहाँ पे भी आपको दिया जाएगा। यहाँ रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन यानी कि जो कंसर्न सब्जेक्ट आपका होगा उसके साथ ही रीजनिंग, मैथ, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश के क्वेश्चन इस पेपर में जो है कैंडिडेट से पूछे जाएंगे। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल की पोस्ट में भी कैंडिडेट का जो सिलेक्शन होगा वो सिंगल स्टेज के एग्जाम के बाद होगा। यहाँ आपका जो एग्जाम होगा वो कुल 120 नंबर का होगा। 120 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। 2 घंटे का टाइम यहाँ पे आपको दिया जाएगा। इसमें कंसर्न सब्जेक्ट के साथ जो है वो रीजनिंग, मैथ, GK और इंग्लिश के क्वेश्चन यहाँ पे कैंडिडेट से पूछे जाएंगे। प्रोग्रामर की पोस्ट पे कैंडिडेट का जो सिलेक्शन होगा वो सिंगल स्टेज के एग्जाम के बेसिस पे होगा। 120 नंबर का आपका पेपर होगा। 120 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 2 घंटे का टाइम यहाँ पे भी दिया गया है। रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट के अलावा यहाँ कैंडिडेट जो है वो रीजनिंग, मैथ, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश के क्वेश्चन इस पेपर में पूछे जाएंगे। जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिशियल लैंग्वेज की पोस्ट पे कैंडिडेट का जो सिलेक्शन होगा वो 2 स्टेजेस के एग्जाम के बाद होगा। पहली स्टेज पे कैंडिडेट का जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप का ऑनलाइन एग्जाम लिया जाएगा। सेकेंड स्टेज पे कैंडिडेट का जो है वो डिस्क्रिप्टिव का पेपर होगा। पहली स्टेज पे जो आपका एग्जाम का पैटर्न रहेगा उसमें कैंडिडेट से कुल 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 200 नंबर का आपका ये पेपर होगा। इसमें कैंडिडेट से जनरल हिंदी के कुल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 100 नंबर का सेक्शन रहेगा। जनरल इंग्लिश के 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 100 नंबर का सेक्शन रहेगा। यानी कि आपके स्टेज 1 के एग्जाम को पूरा करने के लिए कैंडिडेट को कुल 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। उसके बाद कैंडिडेट का जो है वो स्टेज 2 का एग्जाम होगा जो कि पेन एंड पेपर मोड से लिया जाएगा। इसमें ट्रांसलेशन और ऐसे राइटिंग के क्वेश्चन कैंडिडेट से यहाँ पे पूछे जाएंगे। 200 नंबर का आपका पेपर रहेगा। 2 घंटे का टाइम इस पेपर को पूरा करने के लिए दिया जाएगा। प्लानिंग असिस्टेंट की पोस्ट पे कैंडिडेट का जो सिलेक्शन होगा वो सिंगल स्टेज के एग्जाम के बेसिस पे होगा। इस पेपर में कैंडिडेट से 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 120 नंबर का ही आपका ये पेपर है। 2 घंटे का टाइम इस पेपर को पूरा करने के लिए दिया जाएगा। यहाँ रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट के साथ साथ कैंडिडेट से जो है रीजनिंग, मैथ, GK और इंग्लिश के क्वेश्चन इस पेपर में पूछे जाएंगे। ये सभी एग्जाम जो होंगे वो ऑनलाइन मोड से कंडक्ट कराए जाएंगे। हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में आपके पेपर कंडक्ट कराए जाएंगे। यहाँ जो वेटेज रहेगी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन की वो 85% और इंटरव्यू जहाँ भी कंडक्ट कराया जाएगा उसकी जो वेटेज रहेगी वो 15% की रहेगी। यहाँ जो भी कैंडिडेट इस सिलेक्शन प्रोसेस के एग्जाम को सक्सेसफुली क्लियर करेंगे उन सबको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे कैंडिडेट से जो भी डॉक्यूमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा मांगे जाएंगे उनकी डिटेल इन्होंने यहाँ पे बता रखी है। ये सभी डॉक्यूमेंट कैंडिडेट को ओरिजिनल और इनकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे DDA के सामने सबमिट करानी होगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट करें और चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।